नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के पहले दिन की कथा लेकर आई हूँ। पहले दिन की कथा के रूप में हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। श्रावण मास शिव जी का प्रिय मास होता है, तो इस मास में हम सुनेंगे शिव जी के प्रिय श्रावण मास की पवित्र कथाएं। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास का महात्म्य दिया गया है। इसमें 30 अध्याय होते हैं। श्रावण मास का पहला अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए हम देखें शिव जी का एक शक्तिशाली मंत्र। शिव जी का जो मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ओम नमः शिवाय। यह महान शक्तिशाली शिव मंत्र है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जप करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। यह भगवान शिव का मूल मंत्र कहलाता है। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य की पहले दिन की प्रथम अध्याय की कथा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सनत कुमार का महादेव जी से संवाद। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेकाख्यान सुने हमें तृप्ति नहीं हुई, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। आपने कार्तिक मास का महात्म्य तुला के सूर्य होने पे बताया, माघ मास का महात्म्य मकर के सूर्य होने पे बताया और मेष के सूर्य होने पे आपने वैशाख मास का महात्म्य कहा। अब आप उस उत्तम मास के महात्म्य को कहो जिसको सुनने से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न हो। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, षट्ता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा रखना, नम्र होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव का होना, धैर्य धारण करने वाला होना, पवित्र रहने वाला होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोताओं के गुण कहे जाते हैं और ये सब गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात को कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। एक बार सनत कुमार ने ईश्वर यानी भगवान महाशिव को नमस्कार करके पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रतों तथा धर्मों को सुना है, फिर भी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला व सब कर्मों का सिद्धिदाता हो तथा जिसमें कर्मों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति होती हो, ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आपसे अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ। 12 महीनों में श्रावण मास का महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा गया। आकाश के समान स्वच्छ होने से इसे नब नाम भी कहा गया। ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके महात्म्य को देखने के लिए इंद्र के 1000 नेत्र से युक्त हुए, जिसके फलों को कहने के लिए भगवान अनंत यानी शेषनाग ने 2000 जिह्वाएं धारण की, ऐसे मास को देखने कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप तथा धर्म रूप वाला मास है। इस महीने में सब तिथि पे व्रत होते हैं। कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। दुखी, जिज्ञासु, भक्त, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपनी अपनी इच्छा पूर्ति की आकांक्षा रखने वाले सभी लोगों को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई भी तिथि व्रत शून्य तिथि नहीं है, उसको आप मुझसे कहें किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी देवता कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उस व्रत की विधि क्या है, किस किसने उस व्रत को किया व उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसके देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका होता है, उसकी जागरण विधि क्या होती है, किस व्रत का
कौन सा समय होता है, हे प्रभु यह सब आप मुझसे कहें, मेरी जानने की इच्छा है। श्रावण मास में कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार श्रेष्ठ माना गया, इसमें कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है, हे प्रभु और जो कुछ पूछने से रह गया है वह सब आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। आप कल्याण स्वरूप शिव हैं, पापनाशक हर हैं। केवल आपके पूजन से ही पंचयतन का अर्चन हो जाता है। आपकी बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्रों में सूर्य, हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले, हलाहल जहर को अपने गले में धारण करने वाले, महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण किया है। पतन की ओर धकेलने वाले कामदेव को आपने भस्म किया है। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है, मैं एक तुच्छ प्राणी करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया करें और इस मास के महात्म्य को कहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद नामक श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको यदि मेरा यह अध्याय और इसका पाठ पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।